हेलो स्टूडेंट व्हाट इज़ पॉली तो पॉली हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल पॉलीमर है जो पॉलीमर केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है एज द नेम इंडिकेट पॉलीएमाइड। मतलब कि पॉलीएमाइड में कौन सी लिंकेज होगी शो? एमाइड लिंकेज दिस इज एमाइड लिंकेज सी डबल बॉन्डो एन एच इसको क्या बोलते हैं एमाइड ठीक है एंड आर फॉन्ट बाय द मेल्ट पॉलीकंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन बिटवीन डाई कार्बोक्सलिक एसिड एंड डाई एमाइंस तो ये हमारे पास किसके बीच पॉलिमराइजेशन करेगा डाई कार्बोक्सलिक एसिड मतलब कि दो हमारे पास सी ओ ओ ओ एच होंगे और दो हमारे पास क्या होंगे एमाइन के ग्रुप होंगे जनरली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एन एच आर एक्स एन एच सी डबल बॉन्डो एंड आर वाई सी डबल बॉन्डो एंड एन ठीक है तो यहाँ पे आर हमारे पास सी एस टू भी हो सकता है या फिर कोई एरोमेटिक कंपाउंड भी हो सकता है द फॉलोइंग फोर नायलॉन्स आर नोन तो इसमें हमारे पास कौन कौन से पॉलीमाइड्स में एग्जाम्पल आएंगे? नायलॉन सिक्स सिक्स नायलॉन सिक्स टेन नायलॉन एलेवन नायलॉन सिक्स तो नायलॉन सिक्स सिक्स के मोनोमर सब बात करें तो सबसे पहले तो इसमें आता है हेग्जा डाय, मिथाइल डाई मिथाइलिन डाई एम एंड एडिपिक एसिड इसमें हमारे मोनोमर होगा और नायलोन सिक्स टेन में क्या होगा हेक्सामिथाइलिन डायमाइन इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है बस इसमें एडिपिक एसिड था इसमें सी सीबेसिक एसिड है ठीक है एंड नायलोन इलेवन में अमीनो अनडेकानोइक एसिड एंड नायलोन सिक्स में तो आपको पता है कि कैप्रोलैक्टम हमारे पास मोनोमर होता है राइट right? ये इसके हमारे पास स्ट्रक्चर दिए गए हैं ये उन्होंने क्या बनाया हमारे पास नायलॉन सिक्स सिक्स दिस इज सिक्स टेन एंड दिस इज सिक्स नायलॉन इलेवन एंड दिस इज नायलॉन सिक्स ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास नायलॉन सिक्स कैसे बनता है तो हमने बोल दिया था कि मोनोमर हमारे पास इसमें क्या है हेक्सा मिथाइलिन डायाइन जिसको हम कैसे लिखते हैं एन एच टू सी एच टू सिक्स एंड एन एच टू इस तरह से एन एच टू सी एच टू सिक्स एन एच टू राइट एन एच टू सी एच टू सिक्स एन एच टू तो ये है वापस क्या हो गया हैथाइलिन डाईमाइन ठीक है एडिपिक एसिड एडिपिक एसिड में सी ओ ओ एच सी एच टू फोर सी ओ ओ एच इसमें इन्होंने घबराना नहीं है कि ओपन फॉर्म में लिखा है दिस इज सी ओ ओ एच ये ओपन फॉर्म में लिखा है इस तरह से लिखते हैं सी डबल वॉन्डो एंड ओ एच दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है ये हमारे पास क्या हेक्सा मिथाइलिन डाईमाइन और ये हमारे पास है एडिपिक एसिड तो हमने इसमें क्या कर दी पॉलिमाइजेशन कर दी एस सी एल के प्रजेंस में तो हमारे पास बन गया एन एच सी एच टू सिक्स एन एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू फोर सी डबल बॉन्ड ओ तो हमने इसमें क्या करना है कि हमारे पास ये था माइनस एच टू हो एच टू ओ होगा ये ना कि एस सी एल बुक में ये गलत दिया गया है एच टू ओ क्योंकि एच सी एल तो इसमें कहीं भी नहीं है हमारे पास क्या रिमूव हो रहा है वाटर रिमूव हो रहा है कैसे होगा ये मैं आपको बताती हूँ तो ये था हमारे पास इस दिस इज़ हेक्सा मिथाइलिन डायाम एंड दिस इज एडिपिक एसिड राइट तो इसमें हमारे पास आ जाता है एन एच एन एच टू था एन एच का एन एच रहेगा इधर सी एच टू सिक्स एंड एन एच इसके साथ हमारे पास क्या जुड़ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ जो हमने इस तरह से खोल के लिखा था ना ये इसके साथ जुड़ गया और ओ एच वापस रह गया ठीक है इधर आ गया सी एच टू एंड फोर इधर आ गया सी डबल बॉन्ड ओ एंड दिस इज़ ये आपको पता है कि इस तरह से लिखने का फॉर्म होता है पॉलिमराइजेशन टेक्निक्स को या फिर जो हम लिखते हैं तो इधर हमारे पास क्या बन जाएगा वाटर रिमूव हो जाएगा ठीक है तो ये है हमारे पास नायलॉन सिक्स सिक्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा एंड देन नेक्स्ट हमारे पास है नायलॉन सिक्स टेन इससे पहले इसके यूजेस एंड करेक्ट्रिस्टिक्स क्या क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट हैज़ अ गुड टेंसिल स्ट्रेंथ राइट इट इज़ सॉल्युबल इन फॉर्मिक एसिड ठीक है तो यूजेस इट इज़ यूज एज अ प्लास्टिक एज वेल एज फाइबर तो नायलॉन सिक्स सिक्स हमारे पास कैसे यूज किया जा सकता है या तो ये प्लास्टिक की तरफ यूज़ किया जाएगा या फाइबर की वे में भी यूज़ कर सकते हैं ये हमारे जो रस्सी में भी यूज़ किया जाता है टायर बनाने में यूज़ किया जाता है ठीक है एंड इट इज़ अ गुड सब्सटीट्यूट फॉर मेटल गेयरस एंड बियरिंग्स राइट और ये हमारे पास मोस्टली टेक्सटाइल्स में यूज़ किया जाता है जैसे ड्रेसिस बनाने के लिए अंडर गारमेंट्स एक्सेट्रा देन नेक्स्ट हमारे पास नायलॉन सिक्स टेन तो इसमें हमारे पास आपको पता है कि हेक्सा डायमाइन जो हमारे पास नायलॉन सिक्स सिक्स में भी था सेम रहेगा मोनोमर एक और एक होगा चेंज हमारे पास उसमें एडिपिक एसिड था एंड इसमें हमारे पास है सीबेसिक एसिड सो so, इसमें मोस्टली चेंजेस क्या है वहाँ पे था सी एच टू फोर और यहाँ पे है सी एच टू एट इतना ही डिफरेंस है ना बाकी स्ट्रक्चर तो सेम है यहाँ पर भी हमारे पास इन्होंने एस सी एल दिया है आई थिंक यहाँ पे माइनस एच टू ओ होगा क्योंकि इसमें क्लोरीन का तो कोई भी ग्रुप नज़र नहीं आ रहा है तो ये इन्होंने गलत दिया है एस सी एल यहाँ पर आएगा माइनस एच टू ओ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या होगा देखो ना एच टू ओ ओ एच ओ एच तो हमारे पास क्या जाएगा एच टू ओ एलिमिनेट आउट हो जाएगा बाकी तो सेम रहा एन एच सी एच टू सिक्स से हमने ऐसे लिखा एन एच ऐसे ही लिख दिया सी डबल बॉन्ड O हमारे पास स्ट्रक्चर से ही आता है सी एच टू एट सी डबल बॉन्डो तो बचा क्या एच ओ एच ओ मतलब कि एच टू हमारे पास से क्या हो जाएगा एलिमिनेट आउट हो जाएगा सो so, बुक में ये गलत दिया गया है यहाँ पे माइनस एच टू ओ आएगा ठीक है तो इसकी अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ये हमारे पास एक सेमी क्रिस्टलाइन पॉलीमाइड है राइट इसकी हमारे पास गुड रेजिस्टेंस है टू मोस्ट ऑफ़ सॉल्वेंट एंड डाइल्यूट मिनरल एसिड्स ठीक है ड्यू टू इट्स लो मॉइस्चर एब्जॉर्बेशन कम्पेयर टू अदर नाइलॉन्स इट एग्जिबिट्स इट्स प्रॉपर्टी बेटर वेन वेट वेट मतलब कि जब यह गीला होता है तो ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टीज देता है ठीक है तो यूज इज नायलॉन सिक्स इज नॉट मच यूज इन टेक्सटाइल फाइबर बट इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर आर्टिकल्स लाइक ब्रशेज एंड ब्रिस्टल्स इसका क्या मतलब हुआ कि मेलॉन सिक्स की तरह ये टेक्सटाइल फाइबर में मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता है बट ये यूज़ किया जाता है हमारे पास जो ब्रशेज होती है और ब्रिस्टल्स उनको बनाने के लिए यूज होता है इट इज़ यूज इन जिप फास्टनर्स इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स एंड प्रिस पार्ट्स देन नायलॉन सिक्स और पॉलीकैप्रोलैक्टम तो हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए व्हाट इज पॉली कैप्रोलेक्टम इसमें भी पूछ सकते हैं या सीधा आपको बोल दिया नायलॉन सिक्स के ऊपर ठीक है तो साइक्लोहेक्जिन की हमने ऑक्सीडेशन की राइट ऑक्सीडेशन का मतलब कि इसमें हमने एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर दिया ठीक है फिर हमारे पास बन गया साइक्लोहेक्सोनोन ठीक है फिर इसमें हमने इसका फर्दर रिएक्शन किया एन एच टू ओ एच के साथ फिर वापस पास बन गया साइक्लोहेक्सोऑक्साइम, ऑक्साइम की फॉर्मेशन होगी NOH, एच यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे NOH एच लिखना है और दिस इज कैप्रोलैक्टम ये हमारे पास कैप्रोलैक्टम बन जाएगा तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा नायलॉन सिक्स ये हमारे पास मोनोमर है नायलॉन सिक्स का कैप्रोलैक्टम कैप्रोलैक्टम लिया इसकी हमने क्या किया इनट एटमोस्फियर ऑफ एंड के साथ इसका रिएक्शन किया हमने वाटर इसमें लिया और टेम्परेचर हमारे पास है पाँच सौ तैतीस कैलविन इससे हमारे पास बन जाएगा अमीनो कैप्रोइक एसिड कुछ नहीं करना है कि ये जो हमारे पास ये वाला फंक्शनल ग्रुप है आपने देखा होगा कि जो हमारे पास नैलोन सिक्स टेन एंड सिक्स सिक्स है उसमें जो हमारे पास बनता है लास्ट में प्रोडक्ट उसमें क्या होता है कि एन एच सी एच टू सिक्स इस तरह से होता ना इसमें फाइव है सी डबल बॉन्ड उन दोनों का मिक्सचर करके ये दे गया है इसको बोलते हैं अमीनो कैप्रोइक एसिड ठीक है तो इन दोनों से हमारे पास ये बन जाता है हमारे पास नायलोन सिक्स एन एस सी एच टू फाइव एंड सी डबल बॉन्डो इस तरह से इसको लिखते हैं इसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगा वाटर एलिमिनेट आउट हो जाएगा ठीक है तो नायलोन की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो एक जनरली वाइट होता है कलर में और ये हमारे पास डिजायर्ड कलर देता है बाय एडिंग डाइज इन दी सोल्यूशन ठीक है तो वो इसका मेल्टिंग पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि 215 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है ठीक है यूजेस यूजेस में हम देखेंगे कि टू तो नाइलो सिक्स इज वाइल टू प्रोड्यूस इन इंडस्ट्रियल आयरन ठीक है और इट इज़ वाइडली यूज इन टू प्रोड्यूस द मोनोफिलाेंट्स लाइक ब्रशिज ब्रिस्टल जो हमारे पास नायलॉन सिक्स टेन में भी इसके यूज सेम ही है ना, ना ब्रशेज उसमें भी बनती है ब्रिस्टल्स बनते हैं एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स इक्विपमेंट्स इसमें बनेंगे हमारे पास उसके बाद ये पैकेजिंग परपज़ से भी यूज़ किया जाता है एंड अदर फूड इंडस्ट्रीज़ में राइट right? और नायलॉन इलेवन की बात करें तो नायलॉन एलेवन में हमारे पास मोनोमर क्या होगा अमीनो अनडेकोनोक एसिड एंड इसमें वहाँ पास क्या था कैप्रोलैक्टम से बना था वहाँ पास अमीनो कैप्रोइक एसिड दोनों में डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे सी एच टू फाइव है और इधर वहाँ पास क्या है सी एच टू टेन है तो आपको लर्न करने में इजी होगा कि नायलॉन सिक्स में वहाँ पास क्या होता है कि इधर सी एच टू फाइव होता है इधर सी एच टू टेन होता है बाकी स्ट्रक्चर सेम है सी ओ ओ एच इधर है और इसमें इन्होंने क्या लिखा है इसको खोल के लिखा है सी डबल बॉन्डो ओ एच इस तरह से इसकी पॉलिमनाइजेशन की पॉलिमेशन करने के बाद आपको पता है कि ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा यहाँ से एन एच रहेगा फिर सी एच टू टेन ऐसा रहेगा और सी डबल बॉन्डो एन दिस इज नाइलॉन इलेवन सो इट हैज़ लो वाटर एब्जॉर्बशन ड्यू टू मोर हाइड्रोकार्बन करेक्टर इट हैज़ मोर डायमेंशनल स्टेबिलिटी व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड इट हैज़ ऑल्सो हाई हीट एंड केमिकल रेजिस्टेंस फ्लेक्सीबिलिटी एंड ब्रस्ट स्ट्रेंथ यूज इज तो यूज ये यूज़ किया जाता है हमारे केबल एंड वायर के लिए ठीक है और इनका यूज़ हमारे पास ऑटोमेटिव एयर स्पेस में होता है मेडिसिनल ऑयल्स एंड गैसेस में इसका यूज़ किया जाता है नैलन इलेवन का यूज इन मेटल कोटिंग फॉर नॉइस रिडक्शन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवी एक्सपोजर एंड रेजिस्टेंस टू केमिकल्स एब्रेजन एंड क्रोजन एंड ऑल्सो ये हमारे पास ब्रशेस, ब्रिसल सोप्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है सो so, ये थे हमारे पास कुछ पॉली एंड उस उनके हमने यूजेस भी देखे एंड प्रॉपर्टीज़ की बात इस वीडियो में की आई होप आपको समझ में आ गया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग